लेकिन हुसैन ये तो अदालती हुक्म सामने नहीं आ गया था इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से कि जो दूसरा मुकदमा है उनमें उनको गिरफ्तार ना किया जाए, वाज़ह तौर पर क्या ये हुक्म नहीं दिया गया था? जी देखिए, ये अमूमन अगर टेक्निकली देखा जाए तो फवाद चौधरी जो है वो तहरीरी हुक्मनामा अगर साथ लेकर बाहर जाते और वो पुलिस को दिखाते तो शायद पुलिस उन्हें गिरफ्तार ना करती, लेकिन जैसे ही ऑर्डर हुआ है फवाद चौधरी उठकर बाहर चले गए, क्योंकि उनके पास ऑर्डर काफी नहीं थी, तो इसीलिए अदालत की जो पुलिस रिटर्न ऑर्डर मिल जाएगा। हुसैन, इस हवाले से आप कुछ अपडेट करेंगे? जी देखिए, तहरीरी ऑर्डर तो जारी हो चुका है और बाकायदा कोर्ट रूम में पढ़कर सुनाया गया है। जो फाजिल जज थे उन्होंने तहरीरी ऑर्डर ही पढ़कर ये सुनाया कि उनकी जो गिरफ्तारी है वो गैर कानूनी है और वो उन्होंने जो है उसकी गिरफ्तारी जो है गैर कानूनी करार देकर उन्हें रिहा किया था, लेकिन दोबारा जो है वो आप ये उन्हें गिरफ्तार करने की कोशिश की गई है, तो आप दोबारा फवाद चौधरी कमरे अदालत पहुंच चुके हैं और दोबारा गिरफ्तार करने और फवाद चौधरी को कमरे अदालत जो है सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।